वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम यहाँ पे शर्ट की कटिंग करना सीखेंगे। जो ऊपर से हमारा साइज़ है वो 21 इंच और जो हमारी कमर है वो 19 इंच है, हिप हमारी 22 इंच है। और देखिए नॉर्मल कपड़े को मैंने ऐसे फोल्ड करके बिछा लिया है। ये देखिए मेरा ऊपर से बंद एरिया है तो उसको मैंने नॉर्मली अभी बिछाया हुआ है। तो यहाँ पर इसको हम देखिए ओनली हम इसकी सीधी कटिंग करने के लिए इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। बस हमें सीधा कपड़ा उतारना है तब हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ब्रेस्ट में या हिप में आपका जो भी साइज़ हैवी है उसे आप 2 इंच एक्स्ट्रा करके इसको सीधे कपड़े को उतार लेंगे। तो देखिए मैंने सीधा कपड़ा यहाँ पे उतार लिया है। तो उसके बाद देखिए मैंने सिंगल कपड़े को नीचे की तरफ यहाँ पर प्रेस के साथ अच्छे से इसको फोल्ड कर लिया है। और यहाँ पर देखिए अभी मैंने सिंगल कपड़ा बिछाया है तो ये मेरा बैक पोर्शन हो गया। इसके ऊपर देखिए मैं यहाँ पे फ्रंट पोर्शन को ऐसे यहाँ पे ऐसे रखना है। तो गाइस हमें कपड़े को ऊपर नीचे ऐसे ही रखना है, कपड़े के अंदर कपड़ा रख के फोल्ड नहीं करना है, ऐसे ही हमें कटिंग करनी है अपने कपड़े की। उसके बाद देखिए हम यहाँ से इसको इक्वल कर लेंगे ऊपर से, अगर हमारा कपड़ा यहाँ पर छोटा या बड़ा है। उसके बाद जब हम ऊपर से कपड़े को इक्वल करेंगे तो हमें इंची टेप को ऊपर की तरफ ही रखना है और जो हमारे सारे निशान हैं वो वहीं से हमारे एक ही बार हम इंची टेप को रखेंगे ऊपर की तरफ और सारे निशान हम एक साथ लगाएंगे। देखिए जैसे शोल्डर का निशान लगाया है 7 इंचेस पे, बस्ट पॉइंट है हमारा 9.5 इंचेस पे। थोड़ा हैवी साइज़ है तो 15 इंच भी ले सकते हैं, 15.5 इंच भी ले सकते हैं। और जो हिप है हमारी 22.5 इंच पर आएगी, थोड़ा हैवी साइज़ है गाइस। और ये देखिए सारे निशान हो गए, इन निशानों को हम सीधा करेंगे यहाँ पे गाइस। ऐसे निशान जरूर सीधा करें तो इससे जो हमारी कटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमें स्टिचिंग करने में। तो और अब उसके बाद देखिए हम अपना शोल्डर लेंगे यहाँ पे, जहाँ पे हमने 7 इंचेस पे निशान लगाया है पहले यहाँ पे मेरा शोल्डर आएगा 6.5 इंचेस, जो जिसका मैं यहाँ पे ये कटिंग कर रही हूँ तो उनका यहाँ पे 6.5 इंचेस है। आप अपने अकॉर्डिंग ले लें, अगर डीप नेक कर रहे हैं तो कम लें इसे। तो यहाँ पे देखिए 21 इंच हमारी यहाँ पे फिटिंग है ऊपर से और 19 इंच जो हमारी है यहाँ पे वो कमर है और 22 इंच हमारी हिप है। देखिए 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे डार्ट्स के लिए और यहाँ पे 22 इंच लेंगे यानी 11 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। और जो हमने कमर में ये 1 इंच बाहर की तरफ एक्स्ट्रा लिया है इस निशान पे हम लाएंगे क्योंकि ये डार्ट्स में हमारा मार्जिन ऐड हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो बस्ट पॉइंट का जो हमने निशान लगाया है ऊपर की तरफ, ये जो हमारा रह गया है यहाँ पे गैप, तो देखिए मैंने स्केल को थोड़ा अंदर की तरफ रखा था। देखिए हल्की सी गोलाई यहाँ पे आई है, देखिए एक्स्ट्रा मार्जिन में भी हल्की सी गोलाई ली है मैंने। ये ज़रूर लें गाइस क्योंकि जो झोल वगैरह आता है हमारा ऊपर की तरफ वो यहाँ पर नहीं आएगा। ऐसे फ्रंट की शेप दे दी और 1 इंच उठा के बैक की शेप दी है। शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करेंगे, शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करेंगे हम यहाँ पे और जितना हमारा नेक है यहाँ पे 3.5 इंचेस पे हमने निशान लगाया और यहाँ पे देखिए ऐसे इसको डाउन कर दिया। उसके बाद हम अपने यहाँ पे जो हमारी डार्ट्स है, जो हम सीधी डार्ट्स डालेंगे उसका निशान मेरा 11.5 इंचेस पे आएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे 11.5 इंचेस पे निशान लगाएंगे और अदरवाइज़ आप कमर का भी सेंटर ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया। देखिए 3.5 इंच ऊपर आ गया और 3.5 इंच नीचे, कमर का सेंटर लेके भी आप अपने डार्ट्स को यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे 3.5 इंच ऊपर रखें और 3.5 इंच नीचे रखें तो 7 इंचेस की डार्ट हो जाएगी। गैप देखिए सेंटर से मेरा 4 इंचेस लिया है मैंने यहाँ पर और ये देखिए इस निशान को सीधा कर लिया है। सिलाई का निशान देखिए कैसे लगाएंगे, 1/2 इंच इधर लिया है और 1/2 इंच उधर और इसको मैंने ऐसे मिला दिया है। जैसे मैंने निशान लगाए हैं गाइस ऐसे ही आप सिलाई भी करें तभी जो हमारी डार्ट्स है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। ये मैंने सिलाई का निशान लगा के आपको दिखाया है। उसके बाद हम बैक पोर्शन की कटिंग करेंगे गाइस। सबसे पहले ये चीज़ ज़रूर ध्यान दें कि हम बैक पोर्शन पे कटिंग करेंगे, फ्रंट की कटिंग नहीं करेंगे। फ्रंट की कटिंग ऐसे उठा के करेंगे हम बाद में। अगर आप पहले फ्रंट की कटिंग कर देंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ऐसे हमारा बैक पोर्शन एक्स्ट्रा नहीं रहेगा। और देखिए अब साइडों से भी कटिंग कर दी है मैंने। कटिंग करने के बाद यहाँ पर जो अपनी लेंथ है वो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कट कर लें।
बात आ जाती है हमारी स्लीव्स की, यहाँ पे कटिंग की बात। तो गाइस यहाँ पे देखिए, जो ये मेरा लाइनिंग का कपड़ा है, मैं आपको लाइनिंग के कपड़े के ऊपर यहाँ पे कटिंग करना सिखा रही हूँ। तो देखिए, जो मेरा सेंटर में है, ऊपर की तरफ मेरा जोड़ आएगा यहाँ पे लाइनिंग में, तो जोड़ की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेती हूँ सिलाई का, आपको सिर्फ स्लीव्स की कटिंग के ऊपर ध्यान देना है। लंबाई ले लेंगे हम यहाँ पर, 14.5 इंच मेरी लंबाई है, तो 16.5 इंच मैंने ऐसे निशान लगाया, 3.5 इंच डाउन करेंगे ऐसे, और इस निशान को यहाँ पे सीधा करेंगे। तो 3.5 इंच इसलिए लिया है क्योंकि थोड़ा सा हैवी साइज़ है, नॉर्मल में हम 3 इंच लेते हैं, तो ऐसे इसको सीधा कर लेंगे। तो गाइज यहाँ पे देखिए, ये मेन प्रॉब्लम रहती है यहाँ पे कटिंग की, कि ये हमारी यहाँ से चौड़ाई परफेक्ट यहाँ पर कैसे आएगी। हम देखिए 42 इंचेस हमारे यहाँ पे फिटिंग है, यानी 21 इंच हमने लिया था, तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, यानी 8.2 इंच कुछ हमारा यहाँ पर आएगा। तो जो हमें फ़िटिंग लेनी है गाइस, वो पूरी राउंड की लेनी है, हाफ़ की नहीं लेनी है, जैसे हमने 21 इंच पे निशान लगाया था। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली मैं यहाँ पे 8.5 इंचेस ले लूँगी, तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी। तो आपको समझ आया होगा, अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को रीप्ले करके आप ज़रूर चेक कर लें कि मैंने यहाँ पर इसको कैसे निकाला है। और ऐसे हम इसकी शेप दे देंगे, नीचे से जितनी हमारी है यहाँ पर स्लीव्स उसको ले लेंगे और यहाँ पर शेप दे देंगे गाइस। और यहाँ पे देखिए, इसको ऐसे हम शेप देंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगी ये शेप। आप इस तरह ज़रूर कटिंग करके देखें, तो स्लीव्स की जो कटिंग है वो बहुत ही परफेक्ट है ये वाली। और इसको यहाँ पे साइड से कट कर देंगे। कट करने के बाद हम यहाँ पे इसको फ्रंट में जो है इसको शेप देंगे। देखिए, ऊपर वाले दो पोर्शन मैंने उठाए और इनको देखिए ऐसे मैंने शेप दे दिया। उसके बाद गाइस मैंने बहुत अच्छे से समझाया है वैसे यहाँ पे, आशा करती हूँ कि आपको जो ये मेरी स्लीव्स की जो हम यहाँ पे फिटिंग निकालते हैं कि हमारी कितनी आएगी, ये आपको समझ आई होगी। अगर नहीं आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और किसी भी साइज़ में अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो साइज़ मुझे मैसेज करें, तो उसकी भी कटिंग मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करें कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। सेकंड चैनल का लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अब वहाँ से ज़रूर चेक कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।